हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो ये वीडियो आपको मिलने वाली है काफ़ी लेट, और क्योंकि मैं बहुत चल रही थी, काफ़ी बिजी। मैंने सुबह सुबह अपना फिटनेस क्लब भी ज्वाइन कर लिया है, तो ये मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ उसी को देख के। और आफ्टर एक्सरसाइज मैं अपने बालों में लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल, मतलब 15-20 मिनट का ब्रेक लेके लगाया। एक्चुअली मेरे बाल ना बहुत झड़ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अपने बालों में कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ, सो दैट फिर धोऊंगी तो शायद अच्छे से मतलब बाल झड़ेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे नहा धो के पूजा पाठ करके आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। से पहले मैं खाऊंगी बादाम, क्योंकि आफ्टर एक्सरसाइज कुछ हेल्दी खाना चाहिए होता है। मैंने अपना वेट लॉस तो स्टार्ट कर दिया है, मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं और मेरा 1 kg रिड्यूस हो गया है। ड्रेस साइज में तो इतना कुछ फर्क नहीं लग रहा है, बट वेट मेरा थोड़ा कम दिखा रहा है। और यहाँ ना मैं बना रही हूँ तुरई की सब्जी, क्योंकि सुबह सुबह काव्य के लिए तो मैंने बनाया था आलू की सब्जी, पर हम अपने खाने के लिए बना रहे हैं तुरई की सब्जी, क्योंकि आलू में थोड़ा फ्राई करके बनाया था। तो ऐसे ही मैं भी वेट लॉस में हूँ, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ कुछ फ्राइड वगैरह चीजें। बट जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये वीडियो है ना, ये रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले की है। तो रक्षाबंधन में भी क्या होता है कि मन करता है कि कुछ चटर पटर खा लो, तो ये उस दिन का है। तो उसके बाद से मुझे काफी मतलब 3-4 दिन हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, तो ये वीडियो में डाल रही हूँ। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आप लोग को मेरी वीडियो में जरूर बताइएगा। काफी गैप गैप करके वीडियो आ रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या ना, वीडियो में व्यूज कम आते हैं तो फिर ना मन नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन फिर ना, लेकिन थोड़ा अपना पैशन भी है वीडियो बनाने का, तो मैं बना लेती हूँ जब भी मुझे लगता है कि हाँ, अब थोड़ा आज वीडियो बनाने का मन कर रहा है तो बना लेती हूँ। जैसे मैंने आज बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे मैं ना रोटी सेक रही हूँ कपड़े से, क्योंकि रोटी चूल्हे में नहीं सेकना है, डायरेक्ट उसको कपड़े की हेल्प से ही सेकना है। लेकिन मैंने ना एक नया तरीका सीख लिया है इसको सेकने का, कि जिससे आपके हाथ वाथ नहीं जलेगा। वो मैं आपको अपने ना आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं अब रोटी को कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है। तो ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, और तो मैं सोची थी घेवर बनाने के लिए, तो मैंने कभी बनाया नहीं है, तो आज मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है। और मार्केट से भी हम कुछ मिठाई मंगवाएंगे, बट घर में हम घेवर बनाएंगे, तो देखेंगे कैसा बनेगा। तो यहाँ ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, और हाँ, घेवर की ना रेसिपी मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। शायद इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे काम मैं दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता, ये एक्सपेरिमेंट ना मैंने कल किया। यहाँ पे मैंने एक कप टूट गया था, ये देखो कप टूट गया था, तो इसलिए मैंने इसमें मिट्टी रख के एक प्लांट लगाया है, और एक ये एक ऐसा एनिमल्स वगैरह रख दिया है। और चलिए, मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद मुझे गेहूं साफ करना है, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद गेहूं साफ करेंगे। आगे बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे ना ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी फटाफट ब्रेकफास्ट मैंने किया, तो तुरई की सब्ज़ी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे गेहूँ साफ़ करने के लिए, तो गेहूँ भी साफ़ कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये जो गेहूँ है ना, हम लोग साफ़ करके ही आटा बना के इसको खाते हैं, क्योंकि ये ना हम लोगों के लिए ऐसा हेल्दी होता है। अगर हम जो पीसा पीसा जो बाज़ार से लाते हैं ना, वो थोड़ा अनहेल्दी होता है हमारे लिए, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। लेकिन इसमें कोई ऐसी मिलावट नहीं होती, हम अपने आप ही इसको पीसाते हैं सब कुछ आइटम वगैरह रख के। तो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको हमारे ब्लॉग